17,000 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, उनसे संपर्क बनाया है। आने वाले 3-4 महीनों में मैं व्यक्तिगत रूप से इनमें से ज़्यादातर लोगों से मिलने वाला हूँ। 2 अक्टूबर से मैं स्वयं पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा। उनके घर जाएंगे, उनके ऑफिस जाएंगे, उनका कुंडी खटखटाएंगे, उनको इस जन सुराज की परिकल्पना से जोड़ने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे प्रशांत किशोर, हालांकि अभी तक उन्होंने किसी भी तरह की कोई पार्टी बनाने की बात नहीं कही है, लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो हमेशा ही पीछे से राजनीति करते हैं, कभी भी सामने नहीं आते हैं। प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि 17,000 से 18,000 के आसपास के लोग जो हैं वो उनके कॉन्टैक्ट में हैं। अब इन लोगों में कौन से लोग शामिल हैं, ये जानना महत्वपूर्ण है। और दूसरी बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि वो कहीं ना कहीं पैदल यात्रा की शुरुआत करेंगे पश्चिम चंपारण से और एक एक करके लोगों से मिलेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि प्रशांत किशोर किस तरीके से पैदल यात्रा शुरू करते हैं और बिहार में चूंकि वो एक राजनीतिक ज़मीन तलाश कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर के बिहार आते ही बिहार का जो सियासी तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपने अपने हिसाब से इसको लेकर कर रहे हैं और ख़ास करके लालू यादव ने भी साफ कह दिया है कि पूरा का पूरा देश घूम करके चले आए हैं, अब यहाँ इनका कुछ नहीं होने वाला है। तो ये साफ बात है कि क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल प्रशांत किशोर किस तरीके से पीछे से वापस राजनीति करने की बात कर रहे हैं, ये आप खुद सुनिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले दिनों में और आने वाले समय में बिहार के वो लोग जो इस धरती से जुड़े हैं, जो यहाँ के मुद्दों को समझते हैं और जिनमें यहाँ की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है, और उससे बढ़ के आने वाले वर्षों में बिहार को बदलने का जिनके पास जज्बा है, जो बिहार को बदलना चाहते हैं, वो सारे लोग और या उनमें से ज़्यादातर लोगों को एक साथ आकर कोई नई प्रयास करने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में मेरी जो सोच है और जो मेरी भूमिका है उसके बारे में मैं 2 बात आज बताने वाला हूँ। जैसा कि आप प्रेस में या अदरवाइज कई जगह में स्पेकुलेट किया जा रहा है कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी बनाने वाला हूँ या मैंने कोई राजनीतिक मंच बनाया है, ऐसी कोई घोषणा मैं आज नहीं करने वाला हूँ। मेरी कोशिश ये है और मेरी भूमिका आने वाले दिनों में ये होगी कि ये जो लोग जो जिनको मैं कह रहा हूँ, जो यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं और जो यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के मुद्दों को, यहाँ के समस्याओं को समझते हैं, उनमें से एक बड़ा तबका उनसे मिलना, उनसे समझना और उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करना, पहली मेरी भूमिका का पहला जो लक्ष्य है वो ये है। मैं मेरे साथियों के साथ पिछले 4-5 महीनों से हम लोगों ने करीब 17,000 से 17,500 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, उनसे संपर्क बनाया है। आने वाले 3-4 महीनों में मैं व्यक्तिगत रूप से इनमें से ज़्यादातर लोगों से मिलने वाला हूँ, उनसे बात करने वाला हूँ और जो जन सुराज की सोच है, गुड गवर्नेंस की जो सोच है और आगे उसको बिहार में उतारने के लिए, बिहार में उस चीज़ को, उस अवधारणा को ज़मीन पर लाने के लिए जो करने की ज़रूरत है, इस संबंध में उनसे मिलकर उनसे बात करने वाला हूँ। इस संदर्भ में मैंने पिछले तीन दिनों में कोई 150 लोगों से मेरी मुलाकात हुई। सैंपल के तौर पे जो 17,000 से 18,000 लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें समाज के अलग अलग वर्गों के लोग, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों। और मेरा अनुभव पिछले 3 दिन का ये रहा है कि करीब करीब 90% लोग इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं कि बिहार में एक सामूहिक नए सोच और नए प्रयास की ज़रूरत है। तो मेरी पहली घोषणा ये है कि अगले 3 से 4 महीनों के अंदर इन 17,000 से 18,000 लोगों के साथ संवाद स्थापित करना, उनसे समझना
उनसे जन सुराज की परिकल्पना के बारे में चर्चा करना और अगर उनकी सहमति हो तो उनको इसका भागीदार बनाना, ये पहला लक्ष्य है। अगर इनमें से एक बड़ा वर्ग 2,000, 5,000, 3,000 में कोई संख्या अभी आपको एक संख्या नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसमें से बड़ी संख्या में लोग अगर एक साथ आए, एक प्लेटफॉर्म या एक अभियान के तहत जुड़कर आते हैं और वो मिलकर ऐसा तय करते हैं कि हमें किसी राजनीतिक संगठन या पार्टी की ज़रूरत है, तो उस पार्टी की घोषणा उस समय करी जाएगी। अगर वो पार्टी बनती भी है तो वो पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी होगी, ऐसी बात नहीं है, वो उन सबों की पार्टी होगी जो इस परिकल्पना से जुड़कर इस राजनीतिक संगठन के निर्माण में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं। ये काम मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त या सितंबर तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। ये आज की घोषणा का एक पहलू है। दूसरा पहलू जो है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो बिहार के लोगों तक पहुँचना, बिहार के गांव, शहर, गली, मोहल्ले तक पहुँचना, लोगों को जन सुराज की परिकल्पना, इस सोच के बारे में बताना, उनसे उनका व्यू पॉइंट लेना, उनकी समस्याओं और उनके आगे के भविष्य के बारे में जो उनकी अपेक्षा आशा आकांक्षाएं हैं उनको समझने का प्रयास करना। उसके लिए 2 अक्टूबर से मैं स्वयं पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा, जब तक बिहार के सारे गांव, शहर, गली, मोहल्ले, जो महत्व जितने लोगों को व्यक्तिगत तौर पर पहुंचा जा सकता है वो पूरा न कर लिया जाए। हम लोग का अनुमान है कि 3,000 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो उसमें ज़्यादातर एरिया हम कवर कर पाएंगे। संभव है कि अब 3100 अंत होते होते 3100 हो जाए, या संभव है कि 2950 हो जाए, लेकिन मोटे तौर पर 8 महीने से 1 साल के बीच में 3,000 की व्यक्तिगत पदयात्रा मैं खुद करूंगा। बिहार के हर वो व्यक्ति जो जिनसे मिलना ज़रूरी है, जिनसे मिला जा सकता है, जो मिलने को तैयार है, उनके घर जाएंगे, उनके ऑफिस जाएंगे, उनका कुंडी खटखटाएंगे, उनको इस जन सुराज की परिकल्पना से जोड़ने का प्रयास करेंगे। उनकी सोच, उनकी भावना के अनुरूप जो आगे बिहार के लिए किया जा सकता है उसको अपने प्रोग्राम और अपने परिकल्पना में समाहित करेंगे।